हेलो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। सो आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरी होने जा रही है क्योंकि आज हम दो लैपटॉप्स को कंपेयर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको इन दोनों लैपटॉप्स की कंपनी बता देता हूँ। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है डेल का लैपटॉप और ये है हमारी HP का लैपटॉप। सो सबसे पहले तो साइज़ में ये डिफरेंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं उधर से थोड़ा सा ज़्यादा है इसका साइज़, मतलब ये वाला थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। सो इनके मैं आपको पोर्ट्स दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे है HDMI पोर्ट, ये तो चार्ज वाला है। यहाँ पे HDMI पोर्ट है। यहाँ पे अगर आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए हो वाईफाई की तो आप इसके साथ वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा स्पीड का इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे दो USB पोर्ट्स, इन पे आप USB लगा सकते हो चाहे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। और ये हमारा हेडफोन जैक, आप हेडफोन लगा के इसमें कर सकते हो यूज़। और हम इधर वाले साइड की बात कर लेते हैं तो ये है हमारा SD कार्ड का, जो बड़ा वाला SD कार्ड होता है, छोटा नहीं इसमें डलेगा, बड़ा वाला ही डलेगा। और ये है हमारा USB पोर्ट एक और, सो इसमें टोटल 3 USB पोर्ट्स हैं। और अब हम इस वाले की साइड वाली पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सो ये है हमारा वाईफाई का, जिसमें आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी तो इसमें लगा के कर लेना। और एक है हमारा HDMI पोर्ट है और एक है हमारा Type-C का पोर्ट। और दूसरी साइड की बात कर लेते हैं तो ये है हमारे दो USB पोर्ट्स और इधर हमारा SD कार्ड का है, ये SD कार्ड का पोर्ट है। और इधर हेडफोन जैक भी है एक, ये आप छोटा सा देख सकते हैं। तो अब इनके हम इनको खोल के देख लेते हैं, इनके कीपैड और इनकी स्क्रीन। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको इनके कलर भी बता देता हूँ। आपको ये लग रहा होगा कि ये ब्लू कलर है लेकिन नहीं, ये मैंने लैमिनेट करवाया हुआ है, ये एक्चुअल में सिल्वर कलर है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। पीछे मैंने नहीं करवाया, सो ये सिल्वर कलर है, इसके ऊपर मैंने लैमिनेट करवाया। और ये ब्लैक का ब्लैक ही है, मतलब ये पीछे से ही ब्लैक आया, इसकी बॉडी भी ब्लैक ही है। सो वैसे इनमें ये पोर्ट्स इस वाले लैपटॉप में ज़्यादा हैं। और ये देखिए जैसे कि, और इन इस वाले जो लैपटॉप में है ये कम है, ये देखिए ये कम है। और इनमें वेट का भी डिफरेंस है, ये वाला थोड़ा भारी है, ये है 2.50 kg और ये 2.20 या 2.25 kg है। सो इतना सा डिफरेंस है, आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ नहीं होता। और इन दोनों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आपने देखने हो कि ये कितने के हैं तो आप देख सकते हैं। और इसको खोलते हैं। सो ये मैंने खोल लिया है। सबसे पहले तो इसकी की थोड़ा जूम नीचे, हाँ जी। सो ये है सबसे पहले इसका कीपैड, ये ट्रैक पैड है और ये कीपैड है। सो ये भी मैंने लैमिनेट करवाया हुआ है, उसके साथ साथ ये लैमिनेट नहीं है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या क्या है। सो ये सारी कीज़ है हमारी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये है हमारा पावर का बटन, थोड़ा कम दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। ये है हमारा पावर का बटन और ये है सारी कीज, नॉर्मल कीज जो होती हैं। और ये थोड़ा सा इसका रफ है उसकी बजाय। और ये इसका मॉडल नंबर है डेल का इंस्पायरन 15 3000 और ये 15.6 फुल HD डिस्प्ले के साथ आता है। और इसमें वायरलेस ब्लूटूथ भी है, HDMI है, डेल का सिनेमा है और डेल मोबाइल कनेक्ट भी है। फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड हो जाती है डेल मोबाइल कनेक्ट, उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इन फ़ोन और इसके साथ। तो अब हम उसको खोलते हैं और उसका दिखाते हैं। एंड गाइज इसमें इंटेल का कोर i3 है, इसका प्रोसेसर इंटेल का कोर i3 सेवन्थ जनरेशन का इसमें है प्रोसेसर। और इसमें रेडियन का ग्राफिक कार्ड है 2GB का। और अब हम उसको खोलते हैं, मैं बताना भूल गया था। और अब हम इसको खोलते हैं, ये है हमारा HP वाला लैपटॉप, तो इसको अब हम खोलते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ऑफिस होम एंड स्टूडेंट का इंक्लूड है इसमें सारा पैकेज। तो इस और ये है इंटेल का कोर i5 और ये है 10th जनरेशन। सो इसमें NVIDIA का 2GB का ग्राफिक कार्ड है और नहीं सॉरी 4GB का ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का। और ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ो। और इसका जैसा कि मैंने बताया कि ये स्मूथ है, उससे हालांकि ये लैमिनेट नहीं हुआ हुआ लेकिन फिर भी ये स्मूथ है। और इसके बटन है, ये मेरे को इसमें नेगेटिव पॉइंट लगे, उसमें आपने देखा कि बटन नहीं है पर इसमें बटन है। और अब हम कर लेते हैं इसकी ये जो पैड, ये क्या सॉरी अल्फाबेट पैड, यस। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें वर्ड थोड़े से बड़े लिखे हुए हैं,
इसमें थोड़े से छोटे हैं, और ये है इसका शटडाउन बटन, शटडाउन या फिर स्टार्टअप बटन, और ये है सारा हमारा इसका कीपैड। और ये अब हम इसको खोल कर इसकी, हाँ ये भी 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, और इसमें इसका वेट भी थोड़ा कम है, और इसमें इसका साइज भी थोड़ा सा कम है। तो चलिए इसको खोल। सो गाइस, इसमें 64 बिट की विंडोज़ है, और इसमें विंडोज़ 10 है, जैसे कि आप देख सकते हैं विंडोज़ 10। और मैं आपको बता दूँ इसका प्रोसेसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेल का i5 प्रोसेसर है, और इसमें रैम है 8GB की, जिसमें से हम 7.79GB यूज़ कर सकते हैं, और 64 बिट का मैंने आपको बता दिया। पेन एंड टच की इसमें अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपको पता ही है किसी में भी नहीं होता सिवाय एप्पल के। तो ये थी इसकी थोड़ी सी बेसिक, और इसकी HD क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, और इसका जो बॉर्डर है ना वो भी बहुत कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ थोड़ा सा ही बॉर्डर है, ये है थोड़ा सा, बस इतना बॉर्डर है, और उसका थोड़ा सा बॉर्डर कम है, ये देखिए। और इसका कैमरा थोड़ा सा बस वो है कम, बल्कि मूस वाले का जो वो वाला कंप्यूटर है उसका ज़्यादा है। तो चलिए वो दिखाता हूँ आपको। अब मैं आपको दूसरा लैपटॉप दिखाता हूँ, इसमें भी 64 बिट की स्क्रीन है, और विंडोज़ 10 है इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब इधर देख लेते हैं हम, यहाँ पे इसका प्रोसेसर, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर है, इसमें जो रैम है इसमें 8GB, और इसकी स्टोरेज 1TB है, और हाँ दूसरे वाले लैपटॉप की भी स्टोरेज 1TB है, मतलब 1000GB है, और इसकी भी 1000GB है। और ये बस थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन, और इसमें भी नो पेन एंड टच वो है नहीं इसमें। गाइस, इसका जो बॉर्डर है ना साइड वाला वो भी थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका बॉर्डर ख़त्म होता है, उससे इसका बॉर्डर ज़्यादा है। और इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कैमरा थोड़ा सा अच्छा है, क्वालिटी इसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी है उसके कंपेयर अगर हम करते हैं। और बस यही इसका मेरे को लगता है कि ये इसकी बॉर्डर भी बड़ा है, और इसका थोड़ा वेट भी भारी है, तो इसलिए मुझे इसमें थोड़ी सी कमियां लगती हैं। तो एंड गाइस, ये वाला जो लैपटॉप है ये मैंने अभी फोर या फाइव डेज पहले ही लिया है, और ये मेरे पास पहले से है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये i3 प्रोसेसर है इसका, इसलिए इसमें गेम्स नहीं चलती, इसलिए मैंने ये i5 वाला लिया है गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग प्लस स्टडी लैपटॉप है। इसमें आप थोड़ा सा यूट्यूब का काम और थोड़ी बस स्टडी कर सकते हो, पर इसमें आप स्टडी भी कर सकते हो और गेम्स भी खेल सकते हो, इसी करके मैंने ये दूसरा लैपटॉप लिया। सो जैसा कि मैंने, गाइस इसमें एक और प्रॉब्लम है, जब इसको हम खोलते हैं ना ये साथ में ही आ जाता है, मतलब ये थोड़ा सा लूज नहीं है, इसको दूसरे हैंड से पकड़ना पड़ता है खोलने के लिए, क्यों बल्कि इसमें ऐसा नहीं है, इसको अगर आपने खोलना है तो आपको एक हैंड की ज़रूरत है। ये देखिए मैं इसको ईजिली ओपन एंड क्लोज कर सकता हूँ ओनली वन हैंड से, लेकिन इसको नहीं कर सकते, ये साथ में ही आ जाता है। सिर्फ मैंने गेमिंग के लिए मैंने ये वाला लैपटॉप लिया है, वरना इसमें भी कोई कमी नहीं थी। अगर आप यूट्यूब का काम, गेमिंग प्लस स्टडी प्लस एडिटिंग करना चाहो तो आप ये वाला लैपटॉप ले सकते हैं, और अगर आपको गेम्स नहीं खेलनी हो, बाकी सारी चीज़ें इसमें है, स्टडी प्लस यूट्यूब का काम प्लस एडिटिंग सारे इसमें कर सकते हो, बस एक गेम्स के लिए मैंने ये लिया, तो आप देख लेना आपको गेम्स खेलनी है या नहीं खेलनी, तो आप चेंज कर सकते हैं जौन सा भी आपको लेना चाहो, आपकी मर्जी है यार, जो मर्जी लो आपकी मर्जी है। एंड गाइज, मैंने ये कीबोर्ड प्लस माउस इसका अलग से लिया है, ताकि इसका इंटरनल ख़राब ना हो जाए, दोनों का लिया है। और अगर आपने बाय करनी हो तो मैं नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपने बाय करनी हो तो आप वहाँ से ही बाय कर सकते हैं, और दोनों लैपटॉप का प्राइस मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर इन दोनों का प्राइस चेक कर सकते हैं, और साथ में कीबोर्ड और माउस का भी प्राइस नीचे ही चेक कर सकते हैं। और अगर आपने ऑफलाइन भी ख़रीदना हो तो भी आप खरीद सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो पर हम एम करते हैं ओनली 85 लाइक्स के लिए, जल्दी से जाओ सारे, जल्दी गोल कंप्लीट करवा दो 85 लाइक्स का, और सब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, 100 सब्सक्राइबर जल्दी से पूरी करवा दो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक एग्जैक्ट शार्प 8:30 PM, तब तक के लिए गुड बाय।